दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने तूफानी बल्लेबाजी कर रच दिया इतिहास, जिसे देखकर सचिन तेंदुलकर भी रह गए हैरान। जी हां दोस्तों, मुंबई और चेन्नई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में चेन्नई की टीम की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली है। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी की तूफानी पारी को देखते हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी अपने आप को बयान देने से नहीं रोक पाए। इस दौरान उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया जो आपके भी दिल को छू लेगा। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी की तूफानी बल्लेबाजी को देखते हुए सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और क्रिस गेल में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मुंबई और चेन्नई के बीच मुंबई के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। इस दौरान चेन्नई की टीम ने 206 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के अंदर बनाए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए मैदान पर आई मुंबई की टीम ने पावर प्ले के अंदर 63 रन बना लिए और एक विकेट खोया। लेकिन इस बीच महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी ने सभी को प्रभावित किया, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम ओवर के अंदर मात्र 4 गेंद का इस्तेमाल करते हुए लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के हार्दिक पांड्या को लगाए और 20 रन की पारी खेली। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी की तूफानी पारी को देख सचिन तेंदुलकर ने बयान दिया, जिसमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इस मैच में जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी ने अंत में आकर तूफानी बल्लेबाजी कर सभी को प्रभावित किया है, इस मैच के अंदर चेन्नई की टीम के बल्लेबाजी काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से चेन्नई की टीम की तरफ से अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों तरफ छक्कों की बारिश की, वो बताता है कि इस खिलाड़ी के पास अभी भी वही पुरानी ताकत मौजूद है जिसका उपयोग पहले भारत के लिए किया जाता था। इस मैच के अंदर महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 छक्के लगाकर सभी को बता दिया है कि वो अभी भी उतने ही खतरनाक बल्लेबाज हैं जितने पहले रहा करते थे। ऐसे में अगर महेंद्र सिंह धोनी इसी तरह से बैटिंग करते रहे तो बाकी टीम को बचकर रहने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने अंत में आकर 4 गेंद के अंदर 3 छक्के लगाते हुए 20 रन बटोरे, उसके चलते चेन्नई की टीम को 200 रन का आंकड़ा पार करने में कोई काफी ज्यादा मदद मिल गई है। अगर चेन्नई की टीम के लिए वो तूफानी बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद चेन्नई की टीम को 200 रन का आंकड़ा पार करने में आज काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता। लेकिन इस मैच के अंदर महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम समय पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए साल 2003 वाला अपना रूप दिखा दिया है, क्योंकि उस समय भी वो इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करने के साथ मैदान पर गेंदबाजों को काफी ज्यादा परेशान करते थे, उसी तरीके से आज इस मैच के अंदर देखने को मिला है। हालांकि इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की बेहतर बल्लेबाजी का फायदा चेन्नई की टीम को ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की है वो बाकी टीमों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा। तो दोस्तों, मुंबई के खिलाफ चेन्नई की टीम की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आईपीएल का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर देखने को मिला, क्योंकि आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीम आमने सामने थी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। इस मुकाबले में हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ रचिन रविंद्र आए, वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद नबी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन अजिंक्य रहाणे ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया और पहले ही ओवर में चेन्नई का स्कोर 6 रन बन गया। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए कॉर्जिया और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई का 8 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए मैदान पर अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 9 रन बन पाया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद नबी, लेकिन इस बार इनका स्वागत ऋतुराज गायकवाड़ ने 4थी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर 1 विकेट पर 18 रन पाया। चौथा ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे तेज खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र ने बुमराह को एक शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 24 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कॉर्जिया, लेकिन इनका स्वागत पहले गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। अगली ही गेंद पर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे चेन्नई के दर्शक भी पूरी तरह से खुशी से झूमने लगे। 4थी गेंद को भी उन्होंने एक शानदार चौका
मुक्के में तब्दील किया और इस ओवर से 14 रन उस ओवर में बटोर कर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 38 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या को लगातार विकेट की तलाश थी और पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज आकाश माधवन को थमाई। चेन्नई की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी कर रही थी। माधवन की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने शानदार चौका लगाया। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। माधवाल की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 48 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद नबी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जादुई फिरकी से बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। चेन्नई का स्कोर 7 ओवर में केवल 52 रन बन पाया था। टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए श्रेयस अय्यर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और आते ही उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र को अपना शिकार बना लिया। चेन्नई का दूसरा झटका 60 रनों के स्कोर पर लग गया। रविंद्र टीम के लिए 16 गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने शिवम दुबे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को संभाला और 100 रनों के पास पहुंचे, वहीं अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली। वहीं शिवम दुबे का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड को इस ओवर में शिवम दुबे ने जमकर कूट दिया। दूसरी गेंद पर और तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया तो चौथी और अंतिम गेंद को चौके में तब्दील कर 22 रन बटोर कर अपनी टीम को 14 ओवर में 132 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दुबे का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 15वां ओवर लेकर आए आकाश माधवाल के ओवर में भी शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने पहला छक्का जड़ा और फिर चौका जड़कर इस ओवर में 17 रन बटोर कर अपनी टीम को 15 ओवर में 149 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते दुबे ने भी अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद में ठोक दिया, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट गवा बैठे। मुंबई को तीसरा विकेट मिल गया। 39 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 5 चौके की मदद से 69 रन बनाकर गायकवाड़ पवेलियन लौट गए। अब दुबे का साथ देने के लिए मैदान पर डैरिल मिचेल आ चुके थे, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। 14 गेंद में 17 रन बनाकर हार्दिक पांड्या के शिकार हो गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी और आते ही उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री पर भेजा और 5वीं गेंद पर भी वो छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 206 रनों तक पहुंचा दिया और मुंबई के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब मुंबई को अलग से चेन्नई की घातक गेंदबाजी के आगे हासिल कर पाना इतना आसान नहीं होने वाला था। उनकी तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पॉकेट डायनेमो ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। इनका स्वागत रोहित शर्मा ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को पहले ओवर में 5 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। इस बार भी इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 ओवर में ही 13 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे और इनका स्वागत इस बार ईशान किशन ने रोहित के अंदाज में किया। दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपना दहाड़ लगाना शुरू कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। 3 ओवर में ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 25 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में आ चुके थे। चेन्नई की गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिया था। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर और इनका स्वागत तो ईशान किशन ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी ईशान किशन नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और 4 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 38 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मुस्तफिजुर रहमान। इनका स्वागत एक बार फिर रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं लिए। अगली ही गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसी ओवर में अंतिम गेंद पर कृष्णा ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली। इन दोनों खिलाड़ियों की घातक बल्लेबाजी जारी रही। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाते गए। इन दोनों बल्लेबाजों के बाद भी मुंबई के एक एक बल्लेबाज मैदान पर आते गए और चौके छक्के लगाकर मैच को पलट कर रख दिया और यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। इसके बाद तो किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन अपनी टीम को बनाएगा इस बार आईपीएल का चैंपियन, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 एमएस धोनी का आखिरी आईपीएल जरूर है, लेकिन इस आखिरी आईपीएल में धोनी इतना मनोरंजन दे रहे हैं जो आने वाले 5-10 सालों तक सब याद रखने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज धोनी अपने खास स्पेशल मैदान मुंबई के वानखेड़े में पहुंचे थे मुंबई से भिड़ने। स्पेशल एल क्लासिको की शुरुआत वैसे तो पांड्या के टॉस जीतने के साथ हुई थी, लेकिन दोस्तों मैच जीतने के लिए अलग तरीके की परफॉर्मेंस लगती है चेन्नई के सामने, जो आज मुंबई कर तो रहा था लेकिन बाद में भटक गया। आपको बताएं दोस्तों कि मुंबई ने अजिंक्य रहाणे को 5 रन, रविंद्र को 21 रन पर निपटा दिया था।
लेकिन उसके बाद गायकवाड़ के 40 गेंद में लगभग 70 रन और 38 गेंद में 10 चौके 2 छक्के लगाकर जो 66 रन दुबे ने बना दिए ना, उससे एक माहौल सेट हो चुका था और 180 रन अंतिम ओवर तक बन चुके थे जब तक डेरिल मिशेल मैदान में थे। वैसे तो स्कोर कम था लेकिन फिर भी सही मायनों में देखा जाए तो वो एक टारगेट डिफेंडेबल था।